किसानों की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि एक ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को निकालना चाहते हैं और इसको लेकर कई हलकों में बहुत ज़्यादा सरगर्मी और चर्चा थी। इस सिचुएशन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जो संयुक्त किसान मोर्चा जो मेजर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है इस किसान प्रोटेस्ट का, उनसे संवाद स्थापित किया जब ये ट्रैक्टर रैली निकालें। और जब ये ट्रैक्टर रैली निकलने की बात सामने आती है तो उस रैली का सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो रिपब्लिक डे का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, वो मुकम्मल तरीके से फेल प्रूफ तरीके से जिस तरह से दिल्ली पुलिस हर पिछले दशकों दशकों से करते आई है उसको हम मेंटेन रखें, और साथ ही जो किसानों का, जो फार्मर्स का, संयुक्त किसान मोर्चा का, उनकी जो इच्छा ट्रैक्टर रैली के रूप में दिल्ली में आकर उसे निकालने की थी उसको रेस्पेक्ट करते हुए दिल्ली के तीन जगहों से जहां पर वो दिल्ली के मुहाने पे जहां बैठे हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर से उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है वहां से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आए, और आने के बाद जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच, जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का जो स्ट्रेच जो टोटल साइकिल है, और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो, इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है।